नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। You have been kind enough to assemble here this morning for this press conference. सत्ता में रहकर सत्ता का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5,30,00,000 से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या यह सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15,50,00,000 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश यह हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने ये कबूल किया कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। यह तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है,
एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एंड शॉकिंग एविडेंसेस रिगार्डिंग यूज ऑफ हवाला ऑपरेशंस एंड illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators to fund the election expenses of Congress party in Chhattisgarh have come to the fore. It is with a deep sense of outrage that I pose the following questions to Bhupesh Bagel. Is it true that Ashim Das has been arrested, a gentleman who was under instruction to take money and help fund the elections for the Congress party? Is it true that Ashim Das
was under instruction, specifically called to Dubai to deliver cash to Bhupesh Baghel. Is it true that apart from the 5 crore 30 lakhs that has been recovered, the seizure of various bank accounts has resulted in a total balance of 15 crores 50 lakhs frozen under the Prevention of Money Laundering Act 2002. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Aseem Dash to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. Shubham Soni, in his written admission, has stated that till now over 500 crores. तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सीएम बघेल पे कई सवाल उठे हैं और सीएम ने बयान भी दिया है जिसको लेकर स्मृति ईरानी मीडिया के सामने आए और कई सवाल भूपेश बघेल पे खड़े किए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बार फिर से सुनते हैं कि स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है। के संदर्भ में 2/6/2023 में FIR रजिस्टर की। आपको ज्ञात है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या भूपेश बघेल का यह आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? छत्तीसगढ़ पुलिस एंड द कांग्रेस लीडरशिप, आई वुड नाउ लीव द फ्लोर ओपन फॉर क्वेश्चंस। अखिलेश, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग की ओर, जहां पर एक FIR के अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व होने वाले कई व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं आंध्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ओर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में इलीगल बेटिंग के संदर्भ। तो भूपेश बघेल के खिलाफ तथ्य मिले, ये स्मृति ईरानी का कहना है। और ऐसे में देखिए कई सवाल जो है भूपेश बघेल पे खड़े हो रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए मामला काफी संगीन होता हुआ अब नजर आ रहे हैं, चुनाव सर पर है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से कल ईडी के प्रेस नोट में भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, उसके बाद भूपेश बघेल ने एक बयान भी दिया था, उसमें अपनी अपनी दलील उन्होंने पेश की थी। इसके बाद आज इस तरह से स्मृति ईरानी ने एक बड़ा आरोप राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगा दिया है। जाहिर तौर पर इसे लेकर यही कहा जा सकता है कि चुनाव सर में है, और कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव को लेकर एक पक्ष जो है भाजपा के पक्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर बने। तो इसी कड़ी में ये जो आज जो खुलासे हुए वो काफी बड़े खुलासे कह सकते हैं। और जिस तरह से भूपेश बघेल लगातार कई मंचों पर कह चुके हैं कि जिस तरह से वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं कि ईडी जो है, ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, साथ ही सीबीआई का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा
किया जा रहा है। तो ये जाहिर तौर पर ये पूरा जो मामला है तकरीबन 600 करोड़ के जो घोटाले का जो पूरा मामला है, जो जो बेटिंग ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ के ही कुछ लोगों द्वारा ऐप तैयार किया गया था, इस ऐप के जरिए जो महादेव ऐप है इसमें काफी की रकम जो है वो जो उसके प्रमोटर हैं उन्होंने काफी रकम जो है वो कमाई थी जी। तो ये बताइए कि कोई सबूत मिले हैं क्या जिसके तहत ये असीम दास उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं? देखिए फिलहाल सबूत जो है ईडी अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ईडी स्मृति ईरानी का सामने आना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस तरह से भूपेश बघेल के ऊपर एक बड़ा हमला बोलना, जाहिर तौर पे ईडी के पास कुछ सबूत हो सकते हैं जिसके जिस तथ्यों के आधार पे स्मृति ईरानी जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है। क्योंकि देखिए अगर ईडी की कार्रवाई है और ईडी अगर लगातार जांच कर रही है, इसमें चार्जशीट भी दाखिल होने हैं और सीधे तौर पे हम यही कह सकते हैं कि कोई ना कोई तथ्य ईडी के पास है जिसे लेकर स्मृति ईरानी जो है खुले मंच में सामने आई है जी। बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ के विमान में आ रहे हैं बड़े बड़े बक्से जिसमें आशंका जाहिर की जा रही है कि कैश आ रहा है उस बक्सों में। देखिए कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया था जो भूपेश बघेल के खिलाफ जो ईडी के में जो नाम सामने आया उससे लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया था कि जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं भूपेश बघेल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी केंद्र सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जो केंद्र के जो बल हैं उनके विमानों में या फिर उनकी गाड़ियों में पैसे आ रहे हैं। तो ये जो आरोप है ये भूपेश बघेल ने लगाया था, उसके बाद वही डॉक्टर रमन सिंह ने यही कहा था कि इस जांच को प्रभावित करने के लिए या फिर इस डर से भूपेश बघेल ये कह रहे थे जी। तो बताइए कि चुनाव पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए फिलहाल ये जनता तक कितना मुद्दा पहुंच पाती है, क्योंकि अभी 7 तारीख को पहले दौर का इलेक्शन है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद 17 तारीख को दूसरे दौर का इलेक्शन है, तो ये वक्त ही तय करेगा कि लोगों के बीच में इस पूरे मामले के की क्या प्रतिक्रिया आती है और उसकी प्रतिक्रिया किस तरह से वोटों में परिवर्तित होती है। तो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत नजदीक से देख रहे हैं प्रकाश जी, तो क्या लगता है ईडी अब समन भेजेगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा सीएम बघेल को? देखिए फिलहाल अभी इलेक्शन है और ये ईडी भी इतनी जल्दबाजी में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आए हैं फिलहाल अब इसको एक तो पॉलिटिकल तौर पर यदि देखा जाए तो पॉलिटिकल जैसे बीजेपी है, बीजेपी लगातार बड़े आला नेता जो है बीजेपी के वो लगातार भूपेश बघेल पर हमला बोल रहे हैं इस तरह से, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो ऐसे ही फिलहाल चलता रहेगा और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर भाजपा भी कोई रणनीति बनाएगी और जन तक इस मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे आरोपी हैं जो कि धर दबोचे गए इस पूरे मामले से जुड़े हुए? देखिए फिलहाल कुछ आरोपी जो है जो छत्तीसगढ़ के, सौरभ चंद्राकर उपल जो है वो सब जो दुबई में हुए, उसके अलावा एक कांस्टेबल है जो वर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो तमाम जो तकरीबन आंकड़ों के हिसाब से यदि बात करें तो दर्जन भर से ज्यादा आरोपी जो है वो अभी फिलहाल पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेन इसके आरोपी हैं, जो इस महादेव सट्टा ऐप के मेन आरोपी है वो दुबई में है। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि शादियों की वीडियो वायरल हुई थी, करोड़ों की शादियों थी, बॉलीवुड के बड़े तमाम बड़े बड़े एक्टर सिंगर सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे, तो जाहिर तौर पर इसी लेकर जो है अब देखना होगा आगे वाले दिनों में किस किस के तार जुड़े हुए नजर आते हैं इस पूरे मामले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।